हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के तुषारडी चैनल में। दोस्तों, आज हम करने वाले विजय माहर का जैसा पोज, जैसे कि फ्लाइंग वाला पोज, वो पोज कैसे लिख सकते हैं बहुत ही आसान से, और इस तरह का पोज आप कैसे मार सकते हैं अपने मोबाइल से, किसी भी मोबाइल से आप इस तरह का पोज कर सकते हैं। दोस्तों चले देखते हैं किस तरह का पोज आप, इस तरह का पोज मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, और अच्छे से समझेंगे तो इस तरह का पोज आप दे पाएंगे। तो फिर मैं आपको कुछ टिप्स देना भी चाहता हूँ जो फोटोशूट करने में आपको मदद करेंगे, और टाइमिंग भी बताने वाला हूँ। चले फिर दोस्तों देखते हैं किस तरह से आप फोटोशूट करते हैं, कौन सी प्लेस में। टिप्स नंबर वन जो है, आप प्लेस चूज़ कीजिए, आपका टेरिस जो है छत में, वहाँ पे लाइटिंग कंडीशन अच्छी आती है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर पार्क वगैरह में उस पर जा सकते हो, या फिर अपने घर के जो टेरिस है वहाँ पे आप फोटोशूट कर सकते हैं। लाइटिंग कंडीशन बहुत ही अच्छी आती है, देख सकते हैं यहाँ छत है, यहाँ पर फोटोशूट आप करते हैं तो आपके फोटो बहुत ही अच्छी आएगी। दोस्तों ये और एक प्लेस है, जैसे कि हमारे टेरिस के पास जो होते हैं और छत है, उसके पास हम पोज दे सकते हैं, वहाँ पे तो पोज बहुत ही अच्छी आएगी। आप पर फर्स्ट टिप्स ये था, और जो सेकंड टिप है आप क्या कर सकते हो, सेकंड टिप्स आप टाइमिंग, जो टाइमिंग होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप टाइमिंग कंडीशन आप चूज़ कर लीजिए, जैसे कि 10 से 11 बजने के बीच में जो टाइमिंग होता है वहाँ पे फोटोस अच्छे आते हैं, और 3 से 5 बजने के बीच में जो टाइमिंग होता है, मेरा स्टेप टू टिप्स टू जो था 3 से 5 बजने के बीच में जो टाइमिंग, वहाँ से फोटोस क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों चले मैं फ्लाइंग वाला पोज बताता हूँ कैसे करते हैं, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला जो स्टेप है, आपको कुछ इस तरह का पोज देना है, जैसे कि आपकी दीवार में जो है दीवार, वहाँ पे आप पोज देना है कुछ इस तरह का खड़ा होकर, और जो आपका इल्यूजन बनेगा कुछ इस तरह का, जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हैं। ओके, हाथ को कुछ इस तरह का रखिएगा जैसे कि आप ऊपर से कुछ फेंक रहे हैं। ओके, यहाँ से लाइटिंग कंडीशन मेरी आती है, और यहाँ से जो हाथ, दोनों हाथों खुले रहना चाहिए। ओके, और यहाँ से जो हाथ है ऊपर की तरह रहना चाहिए, एक हाथ नीचे से जैसे कि आप कुछ फेंक रहे हो ऊपर में, और यहाँ से मैं देखे तो पैर का इल्यूजन जो है, आपकी पैर जो इस तरह की रहना चाहिए। ओके, एक पैर हवा में रहना चाहिए थोड़ा सा नीचे से, और एक पैर ज़मीन पर लगना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक इल्यूजन बना है। अगर आपको पोज याद नहीं आती है, आप यहीं से स्क्रीनशॉट मार लो और वहाँ पर जाकर पोज देख कर दे देना। ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पोज देने के बाद आपके हाथ, देखे दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का रहना चाहिए, और दूसरा हाथ भी इस तरह का रहना चाहिए, और यह है कि पोज बनेगा। ओके, पोज बनने के बाद आपको क्या करना है, आपके नज़र जो है उसको ऊपर में रहना चाहिए, यहाँ से राइट साइड पर, और इस तरह का पोज देने के बाद आपको क्या करना है, पिक्चर में आना है। ओके, यहाँ से जो दीवार है कुछ इस तरह का रहना चाहिए, इस तरह का सेम पोज हो जाएगी और अच्छे से फोटो क्लिक होगी। ओके गाइस, और यहाँ से मैं आपको टिप्स दे दिया हूँ और ट्रिक्स दे दिया हूँ क्या, उसके बाद आपको जाना है पिक्चर में, टूल्स पर आना है, और यहाँ से जो लास्ट में है फ्लिप एंड रोटेट, उस पर